अगर आप विंडोज 11 अगर आप यूज कर रहे हो और आपके विंडोज 11 में मोजिला फायरफॉक्स का जो ब्राउजर है वो इंस्टॉल है और आप उस मोजिला फायरफॉक्स को अप टू डेट करना चाहते हो, तो आप उसे कहां से और कैसे अप टू डेट कर सकते हो? अपने मोजिला फायरफॉक्स को कंप्लीटली ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको थ्री लाइन का आपको यहाँ पे एक आइकन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको करना क्या है कि आपको इस थ्री लाइन वाले आइकन में चले जाना है। इस आइकन में जाने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको सेटिंग्स का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको इस सेटिंग्स वाले ऑप्शन में चले जाना है। सेटिंग्स वाले ऑप्शन में जाने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लेफ्ट साइड की और यहाँ पे टॉप की ओर में यहाँ पे मेरा जनरल का ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्टेड है बाय डिफॉल्ट। तो आपको इसी ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको इसे डाउनवर्ड की ओर स्क्रॉल डाउन करना है, जैसे मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको फायरफॉक्स अपडेट्स का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे चेक फॉर अपडेट्स का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आप सिंपली इस पर क्लिक कर आप अपने मोजिला फायरफॉक्स को अपडेट कर सकते हो। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरा चेकिंग होना स्टार्ट हो जाता है, और चेकिंग होने के बाद मैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेकिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। और चेकिंग होने के बाद जो आपका मोजिला फायरफॉक्स है, अगर आपका वो अप टू डेट नहीं होगा तो यहाँ पे अप टू डेट भी होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे अभी फिलहाल यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा जो मोजिला फायरफॉक्स है यहाँ पे मेरा वो अप टू डेट है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा, जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।